आप ऋषिकेश जाकर राफ्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। एनजीटी ने ऋषिकेश में गंगा के किनारे 25 लोकेशन पर कड़े नियमों के साथ बीच कैंपिंग की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को नियमावली बनाने को कहा गया है। एनजीटी के इस आदेश से कारोबारी खासे खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश की पहचान बीते कुछ सालों में रिवर राफ्टिंग और बीच कैंपिंग को लेकर बनी है, लेकिन इसके कारोबारियों को एक बड़ा झटका तब लगा जब एनजीटी ने बीते साल गंगा के 100 मीटर के दायरे में बीच कैंपिंग पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कारोबारियों के हित को देखते हुए एनजीटी ने कड़े नियमों के तहत 25 लोकेशन पर बीच कैंपिंग को इजाजत दी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को जल्द ही नियमावली बनाने को कहा गया है। हाँ, जो मैनेजमेंट प्लान उन सभी 25 बीचेस पे मैनेजमेंट प्लान और रेगुलेटरी रिजीम ये दोनों बनाकर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिस पे भारत सरकार द्वारा अप्रूवल दिया गया है, उसी के तहत सभी 25 बीच कैंपों पे कैंपिंग की कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेश से कारोबारी भी खासे खुश है। इनके मुताबिक बीच कैंपिंग पर रोक लगाने के बाद से उनके लिए रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया था और उन्हें रोजगार की तलाश में अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन नए आदेश ने उन्हें राहत दे दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एनजीटी ने अंतिम में इसका संज्ञान लिया। हम तो बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि बिना किसी नीति के कोई भी बिजनेस नहीं चलाया जा सकता, और ये पर्यटन तो हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, और अब ये इस नीति को बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि नीति बननी चाहिए, लेकिन हमारा आज भी ये कहना है कि जिस तरह से इस इंडस्ट्री को बंद किया गया या जैसे बीच कैंपिंग को बंद कर दिया गया, ये बिना हम लोगों के मामले की पैरवी सही ढंग से सरकार ने की। दरअसल ऋषिकेश में गंगा का शानदार बहाव रहता है, जिसके चलते यहाँ रिवर राफ्टिंग के शौकीन बड़ी तादाद में पहुँचते हैं, जो अक्सर बीच कैंपिंग करना भी पसंद करते हैं। लेकिन बीच कैंपिंग में रोक लगने के बाद से सैलानी और कारोबारी दोनों निराश थे, जिससे ऋषिकेश का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा था। लेकिन एनजीटी के नए आदेश से पर्यटन कारोबारी खासे खुश है और उन्हें उम्मीद है कि ऋषिकेश में बीच कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग का कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ेगा।